हेलो दोस्तों, तो फाइनली मैं टूर पर जाने के लिए तैयार हूं 7 से 8 महीने के बाद। तो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं अपने इस टूर को लेकर, क्योंकि बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली टूर पर मैं जा रहा हूं। और ये टूर जो है थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूं तीर्थ स्थान से अपने नए टूर की शुरुआत करेंगे। और इस चैनल पे भी बहुत कुछ नया और अमेजिंग आपको मैं दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ और ट्रैवल ड्रीम को शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो आइए चलते हैं नया दिन नए टूर पर। दोस्तों हम और आप जा रहे हैं, यानी कि मैं और आप हम जा रहे हैं तीर्थ नगरी, यानी कि मुक्तिधाम बोले या मोक्ष द्वार बोल लीजिए, हरिद्वार। जी हाँ, हरिद्वार ऋषिकेश के टूर पे हम जा रहे हैं। और हरिद्वार जाने के लिए मुझे मेरे घर से पहले पहुंचना पड़ेगा आनंद विहार बस अड्डे, जो कि मैं पहुंच गया हूँ आनंद विहार बस अड्डे। ज़रूरी सूचना मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से उत्तराखंड की बसें जो हैं वो अंदर से नहीं चल रही है। मुझे बताया गया है कि उत्तराखंड की बसें जो है वो आनंद विहार बस अड्डे से नहीं चल रही है, वो जा रही है रोड पार करके उस साइड से, यानी कि गाजियाबाद की तरफ से। तो अभी हम वहाँ चलेंगे और वहाँ से देखते हैं कि बस मिलती है या नहीं मिलती है। कौन सी सर? आगे हरिद्वार में कहाँ से? कहाँ से मिलेगी? कश्मीर गेट से मिलेगी या मोहन नगर से मिलेगी? तो जैसा ये भाई बता रहे हैं कि मोहन नगर से मिलेगी, रोड पार करके भी नहीं है, लेकिन एक बार ट्राई करते हैं तो फिर जो है मोहन नगर चलते हैं। और यहाँ से अगर ISBT से मिली, यानी कि अगर यहाँ से बस नहीं मिली तो मुझे हो जाएगी भारी परेशानी। फिर मुझे जाना पड़ेगा मोहन नगर, और मोहन नगर से फिर मुझे जाना पड़ेगा हरिद्वार के लिए बस। तो हम पहले उस साइड चलते हैं, वहाँ पता करते हैं। और वहाँ पता करने के लिए हमें जो है ब्रिज पार करना पड़ेगा। इस वाले ब्रिज से हम जो है आनंद विहार से गाजियाबाद की तरफ जाएंगे। चलिए तो भाइयों, सीन कुछ ऐसा है, मुझे ना तो आनंद विहार से बस मिली थी और ना ही मिली मुझे गाजियाबाद की तरफ से आनंद विहार के सामने से, जिसके बाद मुझे पता चला कि या तो कश्मीरी गेट से मिलेगी या मोहन नगर से। कश्मीरी गेट बहुत दूर पड़ा था और टाइम भी जो है वो ज़्यादा होता जा रहा था, तो इसीलिए मैं फिर मोहन नगर के गया। और मोहन नगर जाते ही मुश्किल से 2 से 3 मिनट में मुझे बस मिल गई। और ये आप देख रहे हो ये पीछे जो नीली बस जो खड़ी है, दिल्ली से ऋषिकेश की है, इसी में जो है मैं जा रहा हूँ। और इस टाइम हम NH 334 पर हैं और इसका टिकट जो आया है वो 245 रुपये का है। मोहन नगर से हरिद्वार का। और अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं, ये है मेरे ख्याल से, अभी देखता हूँ मोबाइल में देखना पड़ेगा। अभी हम हैं हथौली बाईपास पर।
गोभी लिए, महंगी दिए गोभी 30 रुपये की। तो भाई एक कॉफ़ी और एक बिस्किट का पैकेट लिया है, बड़ा महंगा दिया है 30 रुपये की कॉफ़ी, जो कि बताया चाचा ने बताया कि पहले 15 की थी, और एक बिस्किट जो 5 रुपये का उस पर MRP है उसको 10 रुपये में दे रहा है। मैंने पूछा MRP 5 की है तो बोला 10 में, कुछ नहीं थोड़ी देर में। दोस्तों हरिद्वार पहुंचने पर बस ने मुझे सिटी में यानी के अंदर बस स्टैंड पर छोड़ने की बजाय बाहर हरिद्वार ऋषिकेश मेन हाईवे पर ही छोड़ दिया। कंस्ट्रक्शन की वजह से बस को प्रशासन और पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया, जिसकी वजह से हम सड़क पर उतर गए। उसके बाद मैं ई रिक्शे में बस स्टैंड तक गया और बस स्टैंड के बाद फिर मैंने दूसरा रिक्शा लिया और रिक्शे पर ही बैठकर हर की पैड़ी की तरफ निकल गया, जिसके बाद काफी मशक्कत करने के बाद मुझे होटल मिला। तो भाई होटल रूम ले लिया है, थोड़ा लेट हो गए थे आज, मैंने उम्मीद करी थी कि 6 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, 6 बजे से पहले सोचा था मैंने पहुंच जाएंगे, लेकिन जो है तो दिल्ली से भी बस के लिए मुझे मोहन नगर आना पड़ा, उसके बाद जो है रास्ते में भी जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो लेट हो गया। तो शाम की आरती गंगा आरती तो मैं नहीं ले पाया, लेकिन सुबह 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 की जो आरती है वो ज़रूर लूँगा। और अभी मैं चल रहा हूँ भोजन की तलाश में, पहले करेंगे भोजन, उसके बाद भोजन करेंगे, भोजन के बाद फिर देखते हैं। और रूम में बता दूँ फिर मैंने रूम कैसे लिया था, पहले खाना खाने की तलाश करूँ, पहले खाना खाते हैं बढ़िया सा। भाई खाने की तलाश में निकला था, खाना तो खाया नहीं मैंने, लेकिन मैं पहुंच गया हर की पैड़ी पर। और रात का जो नज़ारा जो है वो हर की पैड़ी का कुछ ऐसा है। ये नज़ारा है, ये नज़ारा है रात का, बाकी जो है सुबह आपको आरती दिखाएंगे। दोस्तों हर की पैड़ी के सुंदर दृश्य के साथ अब मेरे पेट में चूहे दंगल करने लगे थे और भूख जोर मार रही थी, क्योंकि टूर की एक्साइटमेंट में मैं सुबह घर से बिना कुछ खाए निकल गया था। तो मैं पहुंचा हर की पैड़ी के बिल्कुल नज़दीक गुलाटी वैष्णो भोज में,
दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर टूरिस्ट प्लेस की तरह यहाँ पर भी खाना थोड़ा महंगा था, यानी कि 80 रुपए की दाल और 110 रुपए की दाल मखनी। लेकिन मैंने मंगाई अपनी फेवरेट 100 रुपए वाली थाली, जिसमें दाल फ्राई सब्जी के साथ चावल और 4 रोटी भी थी, जो मेरे लिए काफी थी, जिसे खाकर मुझे भरपूर आनंद आया क्योंकि खाने का स्वाद भी बहुत अच्छा था। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जगह नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, सबा खैर, सस्ते काल, सलाम, नमस्ते।